खबर शिवपुरी के दिनारा से आ रही है, जहां पर आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा घोषित बिजली कटौती, बिजली समस्याओं को लेकर दिनारा में धरना प्रदर्शन करते हुए विद्युत प्रबंधक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की गई। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेखित करते हुए बताया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग के द्वारा अघोषित बिजली कटौती नियमित रूप से की जा रही है। वर्षा ना होने के कारण फसल सूखने की कगार पर है। किसान मोटर पंप के माध्यम से अपनी खेती को संचित करने के प्रयास बचाने के प्रयास में है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीण लेवल पर 15 घंटे की बिजली कटौती करके किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और गलत बिजली के बिल लगातार पुलिस के साथ जाकर जबरन वसूली की जा रही है और साथ ही इसकी जानकारी अधिकारियों से लेने पर कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल रहा है। रूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इस अघोषित बिजली कटौती को बंद किया जाए, साथ ही शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। हमारी लाइन काट दी है, बिजली काट दी है, गांव की बिजली काट दी है, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी डिलीवरी हो रही है, तो उनके लाने पंखा नहीं चल पा रहा है, परेशानी है। और जो बरसात से फसल बिठा दी है, जैसे तैसे बचा पाई किसानों ने, तो वो जो है पानी बरस नहीं रहा, इसलिए किसान जो है फसल में पानी देना चाहता भी है। यदि बिल की बात कहते हैं, सर कह रहे हैं, तो हम जो है बिल जो है मूंगफली की फसल आ जाएगी तो पूरा बिल जो है चुकता कर देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा किसान जो आया हुआ है, जन्माष्टमी का दिन है, त्यौहार का दिन है, इन्हें अपने अपने गाँव जाना था, अपने अपने रिश्तेदारियों में जाना था और त्यौहार मनाना था, लेकिन इतनी समस्या है। हमारा किसान दिनारा क्षेत्र का हो, चाहे करेरा क्षेत्र का हो, चाहे नरवर क्षेत्र का हो, हमारा पूरा विधानसभा ये समस्या में है कि किसानों को ऐसे त्यौहार में भी ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी कि आज इतना बिल दे रहे हैं जरूरत से ज़्यादा, जो बिना मीटर लगे नहीं, तार है नहीं, लेकिन फिर भी बिल थमाए जा रहे हैं बिना बिजली के। आप देख रहे हैं लगातार किसान वर्षा न होने के कारण अपनी फसल को सींचने के लिए प्रयासरत है और विद्युत विभाग लापरवाही तरीके से उनकी कटौती कर रहा है और मनमाने बिल वसूल रहा है। तो इस ऐसी समस्या के कारण जब किसान यहाँ आए तो वास्तविकता किसानों की समस्या थी, और ये समस्या को लेकर हम लोग सभी किसान बंधु और आमजन बिजली उपभोक्ता यहाँ आए हैं और यही और जे हिसाब से उन्होंने निवेदन किया है कि इस तरीके की आगे से कटौती ना की जाए ताकि किसान अपनी फसल को सिंचित कर सके। उनकी जो जायज समस्या दिखाया, तो